कि सरकार के गृह विभाग मुख्यमंत्री के जिम्मे है, वो जवाब दें। आज अर्धसैनिक बलों को उतार रहे हैं, जब जान रहे हैं कि ये संवेदनशील जगह है। आज तो कम से कम सरकार को आके देना चाहिए था। उनका इंस्पेक्टर अनाउंस कर रहा है, सबने वीडियो देखा। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रवक्ता तक, DM SP तक कह रहा है कि 144 नहीं लगा। ये कैसा विरोधाभासी है। सजिए पर फूल और रामनवमी के शोभा यात्रा पर सूल पत्थर बरसाएं, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। बिहार की जनता इसकी जवाब देगी। सदन के अंदर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का नहीं आना, और दूसरी पाली में जब हमने उठा तो बोलने का मौका नहीं देना। हमने मांग करना चाह रहे थे कि सरकार के गृह विभाग मुख्यमंत्री के जिम्मे है, वो जवाब दें, लेकिन वो आए ही नहीं सदन के अंदर और खुलकर संसदीय कार्य मंत्री जी जब ने उठा कि हम जवाब देंगे तो विधानसभा अध्यक्ष जी स्थगित कर दिए। कहीं न कहीं शासन प्रशासन का विरोधाभासी बयान और घटना के प्रति उदासीनता, लापरवाही स्पष्ट तौर पर झलक रही है। इनकी संवेदनहीनता, जब लूट होती है, आगजनी होता है, पत्थरबाजी होता है, हत्या होता है, संवेदनशील जगह था, शांति समिति की बैठक हर थाने के अंदर हुई, उसका प्रोसीडिंग को आउट करना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए। कुछ नहीं, सरकार की संवेदनहीनता पूरी तरह से दिखाई पड़ रही है, और ये पूरी तरह से खानापूर्ति कर रहे हैं। आज अर्धसैनिक बलों को उतार रहे हैं, जब जान रहे हैं कि ये संवेदनशील जगह है। सरकार जवाब सदन के अंदर नहीं दे पा रही है। कल भी इस मामले पर, इसके पहले भी विषय आया था। आज तो कम से कम सरकार को आके देना चाहिए था। 144 के मामले में उनका इंस्पेक्टर अनाउंस कर रहा है, सबने वीडियो देखा, और उनके शासन प्रशासन में बैठे लोग, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रवक्ता तक, DM SP तक कह रहा है कि 144 नहीं लगा। ये कैसा विरोधाभासी है। कहीं न कहीं सरकार घटना को छुपा रही है, दबा रही है, और निर्दोष लोगों को फंसा रही है। जिस हिंदू समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया, लूटा गया, आगजनी किया गया, धमकी दिया गया, पत्थरबाजी किया गया, उन्हीं के लोगों का नाम FIR में दिया जा रहा है, उन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है। हमने विधानसभा अध्यक्ष के पास भी अपने विधायकों की एक टीम को भेजे थे। हमारे मुख्य सचेतक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सभी लोग गए थे। हमने कहा है कि एक सर्वदलीय टीम विधानसभा सदस्यों की भेजें और सच्चाई को जान करके सदन में विमर्श कराएं। आज सरकार के पास कोई बिजनेस भी नहीं था। सरकार चाहती तो आज इस पर डिबेट करती, बयान देती, पूरी सच को सामने लाती, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। तुष्टिकरण की राजनीति में ये वोट बैंक बनाने के चक्कर में बिहार में आग लगवा रही है, उन्माद फैला रही है, लोगों को लड़ाने का, दहशत का वातावरण बना रही है, और यही दहशत का वातावरण के कारण बिहार की जनता रामनवमी के शोभा यात्रा में जिस तरह से उमड़ कर आई, तजिए पर फूल और रामनवमी के शोभा यात्रा पर सूल पत्थर बरसाएंगे, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। बिहार की जनता इसकी जवाब देगी। विजय चौधरी ने जो कहा कि भाई दंगा भड़काने की साजिश आप लोग कर रहे थे, लेकिन दंगा भड़की नहीं, साजिश को सरकार ने बेनकाब कर दिया। देखिए, उनका वो तो जिलेबी चौधरी जी है ना, वो बात को घुमाते हैं, उनकी बात पर लोग भरोसा भी नहीं करता है।
अगर जो दंगा हम भड़काते हैं तो सत्ता में बैठने का आपका क्या नैतिक अधिकार है? 72 घंटा से ऊपर हो गया, क्यों नहीं सच को उजागर किए? आप तुष्टिकरण की राजनीति में बांका में मदरसा में बम विस्फोट होता है, मदरसा का छत उड़ जाता है और उसको कहते हैं पटाखा था। भागलपुर में पटाखा है, वोट की राजनीति, कुछ तुष्टिकरण की राजनीति में। और कुर्सी के लिए क्या बोलेंगे ये लोग? कुर्सी के लिए किस तरह से जाके शरणागत समझौता किए हुए हैं अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां करने वाले लोग। बिहार की संवेदनशीलता को ये धार्मिक उन्माद पैदा करके आग लगाना चाहते हैं, यहाँ के शांति को भंग करना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700।